अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की 3 मूर्तियों में एक का चयन भी कर लिया गया है। 3 मूर्तियों में एक मूर्ति कृष्ण शिला से बनी है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। रामलला की मूल मूर्ति के निर्माण में कुल 3 शिलाओं को फाइनल क्लियरेंस मिला है, लेकिन ट्रस्ट ने कारकला की शिला पर उकेरी गई मूर्ति को ही क्यों वोट दिया? कारकला स्थान तुंगा नदी के तट पर बसे पौराणिक और आध्यात्मिक शहर श्रृंगेरी से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रृंगेरी का जिक्र त्रेता युग में भी मिलता है। इस शहर का नाम ऋषि श्रृंग के नाम पर पड़ा है। रामायण में इस बात का जिक्र है कि ऋषि श्रृंग ने ही पुत्रहीन महाराज दशरथ के पुत्र के लिए पुत्र कामेष्ठि यज्ञ करवाया था, जिसके बाद महाराज दशरथ के घर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। ट्रस्ट के सदस्य इस बात पर एकमत दिखे कि जिस सिद्ध पुरुष ऋषि श्रृंग की तपस्या से त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उसी ऋषि की तपोभूमि से चयनित शिला से ही भगवान श्री राम की बाल्यकाल स्वरूप मूर्ति का चयन होना चाहिए। इस कृष्ण शिला का चयन कर्नाटक के कारकला से किया गया है। उत्तर कन्नड़ा जिले के कारकला तालुका के नैलीकेर कस्बे में एक छोटा सा गांव है इडू। इसी गांव से शिला का चयन किया गया था। वह शिला 10 टन वजनी, 6 फीट चौड़ी और 4 फीट मोटी है। इस शिला को विधिवत पूजा के बाद अयोध्या भेजा गया था। वहीं वैज्ञानिक परीक्षण में इस शिला को हर तरह के मौसम और वातावरण के लिए उचित पाया गया। यह शिला मूर्तिकारों की पहली पसंद है, क्योंकि इसकी रासायनिक संरचना काफी विशिष्ट है। यह शिला ज्यादा कठोर भी नहीं है और मृदु भी नहीं है। शिला के कठोर होने से मूर्ति की भाव भंगिमाओं पर असर पड़ता है। कारकला एक जगह है कर्नाटक में, तो उस खदान से निकली हुई है। इसमें खासियत यह है कि एक तो ये जमीन के अंदर पाई जाती है और जब ये जमीन से बाहर निकलती है तो सॉफ्ट होती है, लेकिन काम करते करते कुछ सालों के बाद ये कठोर होती जाती है। तो इससे क्या होता है कि इसकी जो लाइफ है मूर्ति की वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। और मृदु होने से मूर्ति की गढ़ाई के दौरान शिला के टूटने का खतरा होता है। कारकला की कृष्ण शिला की खासियत ये है कि ये कठोर है, लेकिन इसमें गढ़ाई करना आसान है। साथ ही इसकी रासायनिक संरचना इस तरह की है कि ये लंबे अरसे तक मौसम और जलवायु के प्रभाव में खराब नहीं होती है। यही वजह है कि दक्षिण भारत में कई मंदिरों में मूल मूर्ति के निर्माण के लिए नैलीकेर स्टोन ही मूर्तिकारों की पहली पसंद है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।